अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां इंदौर से जाने वाली बस को जिसने भी देखा वह एक मिनट तक बस को निहारता रह गया। कोई ये देखकर हंसने लगा तो कोई दूसरा उसका वीडियो बनाने लगा। इस बस के मालिक भाजपा नेता सतीश सुखेजा हैं। मामले में मालिक ने थाने में इसकी शिकायत की है। मामला रविवार रात सतना बस स्टैंड का है। आपको बता दें कि सतना से इंदौर जाने के लिए सुखेजा ट्रेवल्स की एक बस खड़ी थी। बस के विंड स्क्रीन पर लगी एलईडी इमेज पर बस कंपनी के नाम और बस की दूरी के बजाय बस मालिक के सरनेम के साथ भद्दी गाली डिस्प्ले हो रही थी। गाली के साथ लिखा सुखेजा शब्द पट्टी के तौर पर लगातार चल रहा था। इसका पता ना तो बस में बैठे ड्राइवर को था, ना ही ऑफिस में स्टाफ को। जब स्टैंड पर बस चर्चा का विषय बन गया तो फौरन बस मालिक ने डिस्प्ले बंद करवा दिया। इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस के डिस्प्ले में गाली प्रदर्शित होने की वजह किसी की शरारत थी या मालिक को बदनाम करने की सोची समझी साजिश, इसका पता नहीं चल सका। बस मालिक सतीश सुखेजा ने कोलगवा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आशंका जताई है कि ये उसके एक पुराने कर्मचारी की शरारत हो सकती है। भाजपा नेता ने पुलिस को बताया कि उसके यहाँ सलमान खान नाम का एक कर्मचारी था, जिसे कुछ महीने पहले काम से हटा दिया था। डिस्प्ले का कोड उसे पता था। संदेह है कि उसने ही काम से हटाए जाने की बौखलाहट में कोड का इस्तेमाल कर डिस्प्ले से छेड़छाड़ की और उसमें गालियां लिखी हैं। Yeah, I'm not going to do that.